उत्तराखंड के खटीमा में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में लगभग 10 वर्षों के बाद शासन के द्वारा ईएनटी सर्जन की तैनाती कर दी गई। लोगों ने शासन व व्यवस्था विभाग से इस कदम की सराहना की है। लोगों का कहना है कि ईएनटी के मरीजों को अब बाहर के अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। वहीं बुधवार को लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय के निरीक्षण में पहुंचे सीएमओ डॉक्टर के अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि लोहाघाट अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को पूरा किया जा रहा है, जिसके लिए ईएनटी सर्जन डॉक्टर इशांत चौधरी की नियुक्ति कर दी गई है, जिन्होंने बुधवार से ओपीडी शुरू कर दी है। सीएमओ डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि इसके अलावा लोहाघाट अस्पताल में फिजिशियन, आई सर्जन व रेडियोलॉजिस्ट तैनात हैं। इसके अलावा हफ्ते में 2 दिन जिला चिकित्सालय के बाल रोग व अस्थि रोग विशेषज्ञ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ पे ईएनटी सर्जन की आवश्यकता थी और ईएनटी सर्जन कॉन्टैक्ट बेसिस पे महानिदेशालय लेवल से भेजा गया है और उन्होंने यहाँ ज्वाइन कर लिया है। वो अपनी सेवाएं देंगे यहाँ पे और उनको जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जरूरत होगी अपनी डिमांड भेजेंगे, उसके हिसाब से हम उन्हें अवेलेबल करा देंगे, जिससे कि लोहाघाट की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा। और बाकी जितने भी डॉक्टर्स की हम डिमांड भेज रहे हैं, जितनी जल्दी आ जाएंगे हम वहाँ पे यहाँ पर पोस्ट करते रहेंगे। हमें विशेषज्ञ डॉक्टर बाल रोग विशेषज्ञ यहाँ से छोड़ कर चले गए हैं, उनकी जगह हमने 2 दिन के लिए अपने ACMO जो बाल रोग विशेषज्ञ ऑलरेडी हैं उनको लगाया हुआ है। अस्थि रोग विशेषज्ञों को हफ्ते में 2 दिन भेजा जा रहा है और फिजिशियन यहाँ पे ऑलरेडी फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ की जो हॉस्पिटल की ज़रूरतें हैं वो पूरी की जा रही हैं। ICU भी हमने संचालित कर दिया गया है, जो क्रिटिकल केसेस हैं एमरजेंसी में जो केसेस आ रहे हैं वो ICU में एडमिट किए जा सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि लोहाघाट की जनता के लिए इस हॉस्पिटल की उपयोगिता को हम मानव संसाधन और स्टाफ वार्ड बॉय वगैरह हम दे रहे हैं और जल्दी ही यहाँ का ICU और स्टाफ नर्सेस और वार्ड बॉय की नियुक्ति कर दी जाएगी। थैंक यू। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।